रमजान में महिलाओं की शॉपिंग के लिए बेस्ट चॉइस किड्स कैंप। हर वैरायटी, क्वालिटी और लेटेस्ट कलेक्शन यहाँ मिलेगा। गाउन विद पैंट, बॉल गाउन, बुर्का और हलीमा सुल्तान जैसे यूनिक कलेक्शन भी यहाँ मिलेंगे। तो रमजान शॉपिंग के लिए जल्दी पहुंचे किड्स कैंप या फिर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए किड्स कैंप की इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। कई शादियां करने वाले शान खान उर्फ बाबू ने की दूसरी पत्नी की गला काटकर हत्या। डायगर गांव के माउली अपार्टमेंट की भयानक वारदात। शील डायगर पुलिस ने किया आरोपी शान खान उर्फ बाबू को। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 9 मई दोपहर 12:30 बजे के करीब डाइगर गांव में, जो कल्याण फाटा चौराहे को लग करके ये डाइगर गांव, अंदर जाने के बाद माउली अपार्टमेंट है। इस माउली अपार्टमेंट में शान खान उर्फ बाबू नामक व्यक्ति अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। अब तक जानकारों के अनुसार, स्थानीय परिसर के लोगों के अनुसार, शान खान उर्फ बाबू को व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले लोगों समेत पुलिस ने भी पुष्टि की है कि शान खान ने कई शादियां की है। अब तक 5 शादियां शान खान ने की है, यानी उर्फ बाबू ने की है। इस बात की पुष्टि सब जगह से हो रही है, मगर गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आई है उसमें अभी तक शान खान द्वारा इसकी कहीं पर भी स्वीकारोक्ति नहीं दी गई है, यानी कोई उसने इस मामले को कबूला नहीं है। बहरहाल वारदात इस तरह से हुई है। रविवार 9 मई 12:30 बजे जो है माउली अपार्टमेंट की बिल्डिंग में शान उर्फ बाबू खान ने अपनी पत्नी आरिफा का, जो कि दूसरी पत्नी उसकी बताई जा रही है, उसका गला काट करके हत्या कर दी। हत्या के बाद शान खान घटनास्थल से फरार हो गया। उसी वक्त से शेल टाइगर पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबूरे, कलवा के सहायक पुलिस आयुक्त श्री आंधले और शेल टाइगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, इनकी अगुवाई में, इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डिटेक्शन ब्रांच की API प्रदीप सरभरे और PSI भूषण कापड़नी, इन दोनों की टीमें जो है ये इकट्ठा होकर के अलग अलग ग्रुप बना करके इसके काम पर लग गई। और उन्हें खबर मिली कि शान खान उर्फ बाबू दादर पहुंच चुका है और दादर से वो ट्रेन पकड़ करके भागने की फिराक में है। एक टीम कल्याण गई थी, तो एक टीम जो है वो फौरन ये खबर मिलती दादर पहुंची और दादर पहुंच करके इस टीम ने शान खान उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शान खान से अब तक जो पूछताछ की गई है उसमें उसने ये दो बीवियां जो उसकी थी, आरिफा और उसके अलावा एक और पत्नी उसकी, इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते रहे। इन झगड़ों की वजह से वो मानसिक रूप से त्रस्त हो चुका था और इसी गुस्से के कारण उसने ये हत्या की है। अब तक उसने पुलिस पूछताछ में ऐसा बताया। अभी पुलिस की पूछताछ बाकी है। कई शादियों वाली जो बात शुरू में हमने आपको बताई, तो 5 शादियों की पुष्टि कई जगह से शान खान उर्फ बाबू की मिल रही है। अब उल्लासनगर में भी उसकी शादी बताई जा रही है, छाने कलवा में भी बताई जा रही है, मुमरा में भी बताई जा रही है, फिर ये डाइगर परिसर में भी दो पत्नियों के साथ रह रहा है। तो ये कम से कम 5-1 शादियों का तो मामला सामने आ रहा है। और इतनी शादियाँ करने के लिए शान खान उर्फ बाबू कितना बड़ा नवाब है, ये भी पुलिस की जाँच में सामने आना बाकी है। क्योंकि इतने परिवार, इतना घर, तो खर्च उतना ही बढ़ता है, तो उतनी कमाई भी होनी चाहिए। ये ऐसे सारे सवालात हैं, पॉइंट्स हैं। तो शान खान ये सब कैसे मैनेज करता था, किस तरीके से मैनेज करता था, तो ये चीज़ें भी सामने आने बाकी है। बहरहाल शान खान को शेल टाइगर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही मतलब तत्परता दिखाते हुए, सैल्यूट टू शेल टाइगर पुलिस स्टेशन के इन तमाम अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, API सरफरे और भूषण कापड़नीस PSI हमारे, तो ये जो लोगों की टीम थी और इनके महतहत तमाम कर्मचारी, जो भी ASI होंगे, हवलदार होंगे, पुलिस नायक और कॉन्स्टेबल्स होंगे, तो ये सभी ने जो है रिजल्ट ओरिएंटेड काम, यानी हत्या हुई है 12:30 बजे के करीब और रात जो है 9-10 बजे तक, जो है 9 बजे के आसपास तक जो है दादर से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको माउली अपार्टमेंट वो परिसर दिखा रहे हैं जहां पर यह घटना हुई है और कौन है ये शान खान उर्फ बाबू, जो कई शादियां कर रहा है, की है उसने, और उसमें से एक पत्नी की उसने गला काट करके हत्या भी कर दी है। बच्चा रो रहा था और पड़ोसियों को पता चला, इस वजह से ये जो है घटना उजागर हुई है, वरना शान खान उर्फ बाबू चुपचाप हत्या करके भाग जाता। बहरहाल ये तमाम घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थानीय निवासियों ने कहा है इस बारे में,
इस उसकी पहली पत्नी ने क्या जानकारी दी है, ये तमाम बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर पाटिल है। मयूर भाई, ये जो सुबह इधर मर्डर हुआ था, हाँ, ये किस कारण और कैसी घटना थी और कैसे मालूम पड़ा लोगों को? लोगों को इधर मालूम पड़ा कि दोपहर में मालूम पड़ा वो बच्चा रो रहा था घर के अंदर, दरवाज़ा लगा हुआ था, तो उसके बारे में सब देखने गए, बच्चा क्यों रो रहा है, आवाज़ दिया गया तो आवाज़ से कोई रिफंड आवाज़ नहीं आया, तो वापस से लोग देखे आजू बाजू वाले, दरवाज़ा बाहर से कड़ी लगी हुई थी तो खोल दिया, तो उन्होंने बोलते बाजू वाले देखे तो अंदर जाके वो लेडीज़ लोग बाजू के बोले क्या कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इधर बोलता है, तो सब लोग इकट्ठा हो गया आजू बाजू वाले, तो आजू बाजू वाले इकट्ठा होने के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया और खून पड़ा हुआ था सब, इसके लिए सब लोग डर गए, तो इसके लिए पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया। अच्छा, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ? हाँ, दरवाज़ा खुला हुआ था, तो इसके कारण खाली खून देखा, इसके लिए वो लोग सब इकट्ठा हो गया आजू बाजू वाले, हम लोग सब इकट्ठा होके फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो महिला मरी है, उसका नाम क्या? वो नाम तो उसका कोई मालूम नहीं किसी को, मतलब वो महिला का नाम किसी को पता नहीं है। और उसके आदमी का नाम? उसके आदमी का नाम बाबू करके उसको पुकारते खाली, बाबू बाबू करके। ये जो पूरी घटना जो घटी है, हाँ, आप दरवाजा खोलने से लेके पुलिस आने तक क्या आप मौजूद थे? हाँ, हम मौजूद थे। तो मतलब जब पुलिस आए तभी हम ऊपर, फिर वो चढ़े। अच्छा, आप साथ में? साथ में, पुलिस और पुलिस के साथ में। तो वहाँ कुछ हथियार और कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं? हमने कुछ नहीं, हथियार वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं, जो भी पुलिस वाले ने, हम खाली बाहर से ही देखे, हम अंदर भी नहीं गए, हम बाहर के बाहर ही देखे, पुलिस वाले अंदर गए उन्होंने। अच्छा, पहले कभी विवाद की आवाज़ आती थी क्या उनके घर से? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, मतलब विवाद वगैरह कभी नहीं ऐसा हुआ। Thank you.